तो क्वेश्चन नंबर 11 सेट 4 का, मंगल पांडे ने कहां से 1857 के विद्रोह की पहली गोली दागी थी? तो कहां से पहली गोली दागी थी? बैरकपुर से। ठीक है, कहां से डाली थी? तो बैरकपुर से पहली गोली दागी थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन का आरंभ वर्ष कब किया गया था? ठीक है, ये इंडियन एसोसिएशन का आरंभ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, तो कब किया गया था? तो 1876, याद रखिए 1876। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहते हैं। इनमें से किसने नवीं शताब्दी के पूर्वाध में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ठीक है, तो आत्मीय सभा की स्थापना की, तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखोगे राजा राम मोहन के द्वारा, याद रखें राजा राम मोहन राय के द्वारा, याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा 19वीं शताब्दी बोले तो 1815 में की गई थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, याद रखेंगे। इनमें से कौन 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे? तो कौन थे पथ प्रदर्शक सब? तो राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के, कौन राय बोले तो राजा राम मोहन राय। इनमें से किसने भारत के औपनिवेशिक नियंत्रण को आलोचना करने के लिए अन्य ब्रिटिश वाक्यांश का उपयोग किया था? ठीक है, क्या बोला जा रहा है? इनमें से किसने भारत के औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना करने के लिए अन्य ब्रिटिश वाक्यांश का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी, अन्य ब्रिटिश का उपयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग अलकनंदा भागीरथी का संगम स्थल है? प्रयाग अलकनंदा भागीरथी का संगम स्थल है, तो आप देखोगे देव प्रयाग। क्या होगा आंसर जी? तो आप देखोगे आंसर आपका होगा देव प्रयाग। ठीक है, और नेक्स्ट, कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक किस नदी के किनारे? तो महानदी के किनारे। किसके किनारे? महानदी के किनारे। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। तो कटक तो आपने देख लिया, ठीक है, ये तो वही सब क्वेश्चन है, आप आंसर भी दे सकते हैं। तो कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो महानदी के किनारे। आप देखोगे छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण भाग में अवस्थित सिहावा श्रेणी से निकलती है, ये महानदी की बात करेंगे, कटक किस नदी के किनारे बसा? तो महानदी। अब महानदी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग अवस्थित सिहावा श्रेणी से निकलती है, सिहावा श्रेणी से निकलती है, यह ओडिशा का एक प्रमुख नदी है, इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। कितनी जी? 890 किलोमीटर, और आगे चल के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीनगर से ले जाने का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो श्रीनगर से अगर लेह तक जाए तो कौन सा मार्ग? तो जोजीला दर्रा, याद रखोगे जोजीला दर्रा। ठीक है, जोजीला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। जोजीला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। काराकोरम दर्रा लेह को चीन से जोड़ती है, याद रख लीजिए। श्रीनगर को लेह से जोजीला, बनिहाल जम्मू को श्रीनगर, लेह को चाइना से, याद रखिए क्या बोला जा रहा, लेह को चाइना से काराकोरम,
ले को चाइना से कारा को। लाल मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है, ठीक है, तो सबसे अधिक लाल मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, तो आंध्र प्रदेश। कहाँ देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश। कारण लोहे के अंशों का मिश्रण, ये चीज है। निम्न में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? इसका मतलब तीन मैकाल श्रेणी से निकलती है, एक नहीं है, तो यहाँ पर देखोगे कि क्या हो जाएगा, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती, क्लियर, ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम श्रेणी आप देखोगे मैकाल श्रेणी नहीं है। यह नदी प्रदेश के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास, मुल्ताई नगर के पास सतपुरा पर्वत से निकलती है, सतपुरा पर्वत से निकलती है, ठीक है। और ये तो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ये तो पता ही होगा आपको। और इस ताप्ती की लंबाई अप्रोक्स 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट,